वेल रेमो सर पहले उनके साथ काम करने का मौका मिल चुका है, एज इन ही वॉज द जज इन झलक दिखला जा. ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वी ऑल नो दैट, एंड ही इज सच अ जेंटलमैन. हियर ये गाना एक पंजाबी सॉन्ग है, पार्टी फन नंबर है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अनुभव सर और रेमो सर दोनों को लगा कि आई वुड बी एबल टू डू इट, और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ये परफॉर्म करने के लिए. वेरी एक्साइटेड, अच्छा लग रहा है कि सारा कुछ एक टेक में नहीं करना पड़ता है, एंड यू कैन लाइक टेक योर टाइम, इज आउट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सप्रेशन एंड डांस. जब वक्त आएगा अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है हम उसके बारे में तब बात करेंगे. फर्स्ट वन, यस, आई सॉ द फिल्म, आई रियली रियली लाइक द स्टोरी ऑफ द फिल्म ऑल्सो. तुम्बिन टू का वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट दिल बता दे नहीं कोई फरियाद, तो वैसे ऑल टाइम फेवरेट लास्ट सीजन का लास्ट मूवी जो थी, ये जो दिल मुबारक हो यही तो प्यार है, दैट वॉज द सॉन्ग, दैट्स वेरी नाइस सॉन्ग. आई वॉन्ट टू विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड गाइज यू ऑल प्लीज वॉच. नहीं नहीं सर, पार्टी सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, क्या मतलब रेमो रेमो सेट है तो पार्टी सॉन्ग होगा ना. नंबर तो बहुत ही पेपी है और बहुत ही मज़ेदार गाना है, और मेरे लिए तो बड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि कई साल बाद वापस हम एक साथ मिले हैं सारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन और सब मिलके, तो गाना इज़ वेरी पेपी, एंड पूरा का पूरा कास्ट है, फिर हमारे पास सिंगर्स हैं, हमारे पास परफॉर्मर है मोनी, और हमारे पास हैरी है, तो हाडी संधु है, रफ्तार है, नेहा कक्कड़ है. 2001 में आई थी तुम भी, 15 साल हो गए, इतना लंबा गैप क्यों हुआ, मतलब आपके पास आपका आइडिया तो होगा कि बनाना है मुझे सीक्वल. नहीं नहीं यार, 2010-11 तक तो सीक्वल का सिस्टम ही नहीं था इंडिया में. 2010-11 में जब सीक्वल का सिस्टम शुरू हुआ, सेकंड फ्रेंचाइज का नंबर सिस्टम शुरू हुआ, उस समय फेसबुक ट्विटर भी शुरू हुआ, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत लगातार बोलना शुरू किया कि टू बनाओ टू बनाओ. लेकिन तुम्बिन की बात करें, तुम्बिन का गाना काफ़ी सुपरहिट था, मतलब जगजीत सिंह ने गाना गाया था, जगजीत सिंह कितना मिस करे, उसका आपने रीमेक किया है, लेकिन वो असर शायद नहीं छोड़ पा रही जो पहले की बात थी. वो असर क्या होता है ना, जो चीज़ कोई एक चीज़ 15 साल जी हुई है, इट्स लाइक वाइन, द ओल्डर इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग इट बिकम्स. नई कहानी मिलेगी और क्या डिफरेंट करूँगा यार. कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. डांसर ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी है, मैं उनको झलक में जज कर चुका हूँ कई साल पहले, और डांसर तो बहुत ही कमाल की हैं, एक्टर तो सभी जानते हैं, आप लोग तो पहली बार फिल्म का गाना कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है. आगे अभी आपको पता चलता रहेगा, अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, अभी फिलहाल तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग चल रही है. Hi Ramu sir. Hey, hello. Roll.